भाई हम लड़कों की लाइफ कोई आसान नहीं है। इधर मेरा वीरा देखो अपना काम निपटा रहा आटा गूंद के, इधर मोहित को देखो वो सब्जी का काम उसका है, वो सब्जी का निपटा रहा है, और छोटू हमारा बर्तन धोकर इधर बैठा है, छोटू अपने बर्तन धोकर इधर टीवी देख रहा है, और हमारी प्रीत भाभी अपने कपड़े धो रही है, और मेरा कुछ काम नहीं, मैं अंडे उबाल के दे रहा हूँ इन्हें। मोहित का सब्जी का भाई सबने अपने अपने काम बांट रखे हैं। दिन में तो ये दोस्त रहते हैं, एक दूसरे के लिए जान भी दे सकते हैं, लेकिन रात को इनसे बड़ा दुश्मन नहीं है। ये देखो अपनी सब्जी काट के इधर बैठ जाएगा, ये मोहित है। और फिर हमारे लव भाई रोटी बनाने का काम इनका है, बिल्कुल मस्त करके आटा गूंद रहे हैं, पर आटा ही गूंदेंगे इसके आगे कुछ नहीं। तो वीरे दिन में तुम लोग प्यार से रहते हो, रात में गुस्से में रहते हो, उसका क्या मतलब है? आटे पे गुस्सा निकाल रहा है, ये छोटू का गुस्सा है। तो भैया अल्लाह भाई गुस्से में आटे को गूंदते हुए, छोटू कुछ नहीं कह सकते, छोटू ने अपने बर्तन धो दिया है, तो छोटू उधर बादशाह के जैसा बैठा हुआ है, और मोहित अपनी सब्जी को फटाफट काम निपटा के बादशाह बनेगा, और मेरे भी अंडे उबल गए, अंडा का काम मेरा है उबालने का बस। हाँ भाई छोटू रोटी सिखवा लेगा ना, सिखवाने का रोटी सिखवा लेंगे, वीडियो में कह रहे हैं ऐसा नहीं, बैग का मारेगा इधर ही ना, बर्तन धो दिए अपना काम नहीं लव, सब लोग अपना अपना काम करते। वीरे तेरा क्या काम है? तो वीरे तेरा क्या क्या काम है? रोटी बनाना, आटा गूंदना, रोटी बनाना। अभी जैसे तो दोस्तों ये हमारा रूम है, देखो दिन में सब लोग साथ रहते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, लेकिन रात को इनसे बड़ा दुश्मन कोई नहीं, एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं जान के। तो सब अपने अपने काम से लगे हैं, और छोटू सबसे आसान छोटू का काम है, खाना खाते बर्तन धो के इधर बैठ जाता है। अब देखो कैसा बादशाह बन गया अल्लाह भाई, इधर बेचारे मेहनत कर रहे हैं पर लाइए, और ये फलक कर रोने का काम है, जो खाने के टाइम पे रोती है, क्योंकि बहुत भारी काम है प्रीत भाभी के लिए। प्रीत भाभी का दूध उबल गया है, निकल गया है, और ये हम लोगों के कपड़े सूख रहे थे, लव भाई का आटा गूंद गया है, आटा एक्स्ट्रा निकाल ले रोटी को लगाने के लिए। हमारा भाई गुस्से में, ये गुस्से में रहता है, इतना खाना बनाता है, और मैं भी गुस्से में रहता हूँ जब तक अंडे उबालता हूँ, उबालने का काम मेरा है। एकदम गोल गोल रोटी आ रही है, तवा कच्चा है, मुझे लग रहा है यहाँ के काम बट गया ना, कोई रोटी सेकेगा कोई रोटी बेलेगा, लव तो रोटी बेल रहा है, मैं सेक रहा हूँ। तो परमेश्वर ने कहा नहीं है आपको डेकोरेशन करने का, बांट के रखे थे सारे ने। तो ये कुछ फुलका बना है, गुरुद्वारे वाला फुलका है, ये रख दिया इधर, अब इधर से रोटी लाने का, उधर से लाने का, ये रख दी तो ले जाएगी रोटी। तो भाई रोटी बन रही है बड़ी मस्त मस्त, इसको पलट देता हूँ, चल आया नहीं ना रोटियों को सेक, अब तू हम जाते हैं, मेरा वीरा रोटी बनाता है रोज इनके लिए, इस वीरे के लिए तुम पानी लाने का भर के जाओ,
तो वीरे इन लोगों को तू रोटी ऐसी खिलाता रहा बना बना के पतली पतली, चार एक कभी लगा दे कर कभी मोटा मोटा आटा, पतली बनाएगा तो आदत खराब हो जाएगी। ठीक है भाई, चलो भाई, जो लोग बाहर रहते हैं सऊदी कुवैत कतर मतलब कहीं भी अपने घर से बाहर है, मेहनत करो, ये रियलिटी है। देखो ये रोटी बना रहे हैं हम लोग, ये कोई फेक वीडियो नहीं है, असली वीडियो नहीं वीरे, बिल्कुल ये हमारा डेली का रूटीन है। इधर देखो मोहित सब्जी बना रहा है अपनी, छोटू अभी भी वहीं बैठा हुआ है। तो लव कुछ कहना चाहता है तू? बस भाई सब जो बंदे, हाँ तो मेरा भाई कुछ कहना चाहता है परदेशियों से जो अपने घर से बाहर है, मेहनत कर रहे हैं लड़के अपनी फैमिली के लिए। भाई आप सबका बहुत थैंक्स, देखो रोटी बनाते हुए थैंक्स बोला है। थैंक्स भाई, थैंक्स। हमारी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और अगर लव के हाथ की रोटी खाना है तो गोवा का टिकट बुक करो। ओके गाइस, ओके गाइस, बाय, लव यू।